नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेट पर टुडे। मैं जावेद अंसल। संजय गांधी अस्पताल में लगातार कोरोना का इलाज चल रहा है, वहां पर मरीज भर्ती हुए। न्यूज नेटवर्क की टीम ने पहले सोचा था कि हम पॉजिटिव स्टोरी ही करेंगे, निगेटिव स्टोरी नहीं करेंगे। उसी के तहत आज जब हमारी टीम, न्यूज नेटवर्क टुडे की टीम, संजय गांधी अस्पताल पहुंची, संजय गांधी अस्पताल प्रदेश के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक, तो वहां का नजारा क्या था, हमने सोचा था हम पॉजिटिव स्टोरी ही करेंगे, लेकिन वहां पर एक बीएसएफ का जवान दिखा, उसका नाम था विनोद तिवारी। उसकी पत्नी को कोरोना हो गया था, 4 दिन की छुट्टी लेके त्रिपुरा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स त्रिपुरा में उसकी तैनाती है, 4 दिन की छुट्टी लेके वो अपनी पत्नी का इलाज कराने के लिए आया। चौंकाने वाली बात यह है, कहा जाता है संजय गांधी अस्पताल में कोरोना मरीजों का तत्काल इलाज होता है, भर्ती की सुविधा, लेकिन उसको 8 से 10 घंटे भटकाया गया, कभी इधर कभी उधर, यहां आप जाइए अब आप वहां जाइए। उसको इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल में बामुश्किल, जब पत्रकारों ने इस मुद्दे पर हाथ डाला, डॉक्टरों से बात की, लगातार ये कहा गया कि इस तरीके के पेशेंट को तत्काल भर्ती किया जाए, बामुश्किल विनोद तिवारी की वाइफ को एडमिट किया गया, उसके बाद उसका वहां पर विधिवत इलाज जारी है। अब आप खुद सोचिए, निगेटिव स्टोरी नहीं करनी है, पॉजिटिव स्टोरी करनी। अब स्टोरी को अब आप क्या कहेंगे, पॉजिटिव या निगेटिव? हालांकि हमने पहले ही तय किया था कि निगेटिव नहीं करेंगे, लेकिन इस तरीके की स्टोरी जब आप खुद सोचिए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का एक सिपाही जो सरहद पर हमारे देश की हिफाजत करता, हमारी हिफाजत करने के लिए 24 घंटे मुस्तैद रहता, उसके साथ इस तरीके का सलूक, तो आम आदमी के साथ किस तरीके का सलूक होता, आइए मैं आपको सीधे सुनाता हूं विनोद तिवारी की आप बीती विनोद तिवारी के मुंह से ही। ये सर, हम देश के लिए बढ़ते हैं, 4 दिन की छुट्टी में आया काम से। वो मेरा कोरोना वैक्सीन है ना, मेरे को वैक्सीन वैक्सीन सब लगा, मेरी रिपोर्ट ठीक है सर। मेरी फैमिली को ऐसी स्थिति है, बताया पूरा 3 बटालियन भी ऐसे अपने, मैं ले गया था दिल्ली हॉस्पिटल में भी, तो मना कर दिया, बोले मेरे पास ऑक्सीजन का सुविधा नहीं, अपने फैमिली को ले जाए, यही बोलते हैं सर। यहाँ पे अभी लेके आया, यहाँ पे आया सर, अभी मेरे को कोई बोलता उस गेट पे जाओ, उस गेट पे मेरे को कोई बता ही नहीं रहा सर। सुबह से लेके बिछिया हॉस्पिटल में था, बिछिया हॉस्पिटल में सीट बैठी नहीं, लेकिन क्या तो जांच करवाया, निकलने के बाद कोई पूछ ही नहीं रहा सर। बता, मेरी भाई है सर, बताइए, मैं देश के लिए बोल रहा हूँ, रहने वाला सीधी जिला का हूँ, लेकिन मेरा मकान यही। मैं सर सुबह 6 बजे से मैं फैमिली को लेके बिछिया हॉस्पिटल से आया, जांच करवाया सर, उसके बाद से कभी इधर उधर घूम रहा हूँ, इस गेट से उस गेट में, मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल में हो पा रहा है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।